हाँ जी बच्चा लोग अभी आवाज़ आ रही है अभी बताएंगे सभी लोग मैं सुन पा रहे हैं सभी लोग मुझे हाँ जी सभी लोग सुन पा रहे हैं एम आ ऑडिबल टू एवरी वन हाँ जी सुन पा रहे हैं सभी लोग अब एक बार बताओ आवाज आ रही है या नहीं आ रही है हाँ जी एम ऑडिबल और नॉट नाउ क्लियर चलो बहुत अच्छे ठीक है ठीक है थैंक यू थैंक यू सो so, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार मैं हनी कुमार शर्मा आप सभी का रीजनिंग मेंटर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं सी यू टी टी फोर सेवन के चैनल पर आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार राम राम सत केम छो तमे ऑल मजामा सो so, चलो सो so, तमी अगर सभी लोग हैं मजामा तो चलो पहन लो पजामा और रीजनिंग करना स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या करते हैं रीजनिंग करना स्टार्ट चलो अब सब खुश हो गए ना यह सभी ऑडियो वीडियो सब मैच हो रहा है एकदम अच्छे से ऑडियो वीडियो सब मैच हो रहा है ना चलो तो अब करते हैं हम क्लास को स्टार्ट बिना किसी देरी के विदाउट एनी डिले वी स्टार्ट अवर क्लास चलो वेरी गुड जी तो यहाँ पे करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट हमने कल कुछ क्वेश्चंस किए थे और उन क्वेश्चंस को करने के बाद हम चलते हैं यहाँ पे आ, ये हमारा अगला क्वेश्चन जी। डॉग कैट हिप्पोपोटामस और गॉट जी पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने डॉग कैट हिप्पोपोटामस और गॉट इसमें से ऑड बट आउट बता दो कौन सा यहाँ पे ऑड वन आउट हो जाएगा एवरी वन चलिए ऑर्ड वन आउट कौन सा होगा यहां पे फाइंड द ऑड वन आउट फाइंड द वन आउट हेयर कौन सा इन सब में से ऑड वन आउट हो जाएगा एवरी वन सी आंसर आ रहा है चलिए हिप्पोपोटामस हिप्पोपोटामस यहां पे जो आंसर आ रहा है हमारे पास क्या आ रहा है सारे बच्चे जो आंसर कर रहे हैं क्या कर रहे हैं हिपोपोटोमस आंसर कर रहे हैं हिपोपोटोमस ठीक है चलिए तो सी जो होगा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बाकी सारे क्या हैं आपके डोमेस्टिक एनिमल्स हैं बाकी सारे क्या हैं घरेलू जानवर हैं पालतू जानवर हैं डॉग को आप पाल सकते हो कैट को पाल सकते हो गोट को भी पाल सकते हो बकरी को भी आप पाल सकते हो तो बाकी तीनों क्या हैं आपके बाकी तीनों हमारे क्या हैं डोमेस्टिक एनिमल्स हैं कैसे हैं डोमेस्टिक डोमेस्टिक एनिमल हैं बाकी तीनों यानी कि आपके घरेलू जानवर जानवरें बाकी हिप्पोपोटामस क्या है वो तो जंगली है बेटा वो तो जंगली है जंगल में रहेगा तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा वेरी गुड बहुत अच्छे चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर तेरह हां जी अब आपको यहाँ पे कुछ संख्या युग्म दिए गए हैं आपको बताना है कौन सा यहाँ पे ऑट वन आउट हो जाएगा आपको संख्या युग्म दिए गए हैं हेलो विशाल बेटा हेलो गुड इवनिंग बच्चा सो यहाँ पे क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर एवरी वन जी तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर जी बिल्कुल लॉक कर दिया है हाँ जी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर एवरी वन सिक्सटी सेवन डॉट एटी फाइव ट्वेंटी टू डॉट सिक्सटीन नाइनटी एटी नाइन डॉट वन फिफ्टी फाइव थर्टी डैश टेन तो इसके लिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा चलो जल्दी से कर दो सभी लोग आंसर क्या होगा इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर देखते हैं आप में से कितने लोग इसका करेक्ट आंसर करते हैं कितने लोग आप में से इसका करेक्ट आंसर करते हैं हाँ जी सो so, यहाँ पे आंसर आ रहा है मेरे पास सी 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 सभी लोग आंसर कर रहे हैं सी सभी लोग एक बार सेशन को फटाफट -फड़ से लाइक शेयर कर दो तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 76 है और 85 है तो हमने क्या किया सेवन का स्क्वायर प्लस में सिक्स का स्क्वायर देखो लॉजिक समझना क्वेश्चन का सेवन का स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर तो सेवन का स्क्वायर होता है फोर्टी नाइन और सिक्स का स्क्वायर है थर्टी सिक्स दोनों को ऐड करो कितना आ गया एट्टी फाइव आ गया दोनों को ऐड किया कितना आ गया एट्टी फाइव आ गया उसके बाद यहाँ पे देखो एटी नाइन एट का स्क्वायर प्लस में नाइन का स्क्वायर का 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 स्क्वायर 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 प्लस में कितना कितना होता है 64 होता है और 9 कितना है है बेटा तो कि और तो तो लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर अब क्या हो जाएगा बी हो जाएगा क्योंकि दो का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर चार प्लस चार कितना होता है आठ होता है लेकिन हमें कितना गिवन है सोलह गिवन है यहां पे सोलह नहीं आता कितना आता आठ आता तो बी जो होगा हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी अवर करेक्ट आंसर यहां पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी हो जाएगा हेलो लक्ष्य बेटा हेलो कैसे हो लक्ष्य बेटा तो बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर लक्ष्य आई एम डूइंग गुड बेटा आज आप बहुत दिन बाद आज शायद क्लास में आए हो दो तीन दिन से आप क्लास में नहीं आ रहे थे लक्ष्य है ना एवरीथिंग थिंग ऑल राइट बच्चा तो ठीक है आपकी हेलो अजय पांडे जी हेलो गुड इवनिंग तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी अच्छा क्वेश्चन था काफी अच्छा क्वेश्चन था अच्छा क्वेश्चन था ठीक है तो यहाँ पे लॉजिक लग रहा है हमारा ठीक है यस सुप्रीम यहाँ पे करेक्ट आंसर लगाएंगे दिमाग क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर एवरी वन चलिए गुड इवनिंग तुषार द्विवेदी जी वेरी गुड इवनिंग <laughs> देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है बस दिमाग लगाना है क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर यमराज जी वीरेंद्र कुमार सी आंसर आ रहा है यहाँ पे वीर का आंसर आ रहा है सी तुषार बच्चा गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग राय का आंसर सी अरुण पाल का आंसर आया ए वीर का आंसर सी गुरिया कुमारी का आंसर गुरिया कुमारी हेलो जी राजा ठाकुर का आंसर आया ए राजा ठाकुर ने आंसर किया ए चलिए देखते हैं अब है। है। क्या और अगर मैं कर हूं। अगर मैं सिक्स माइनस फाइव कर रहा हूं नाइन कर रहा हूं दोनों का आउटकम क्या है बराबर आ रहा है दोनों का आउटकम क्या आ रहा है बराबर आ रहा है यहां पे देखो अगर मैंने पांच में से तीन को घटाया और नौ में से सात को घटाया तो भी आउटकम क्या आ रहा है हमारा सेम आ रहा है दो दो आउटकम आ रहा है यहां पे भी आउटकम कितना आ रहा है सेम आ रहा है लेकिन अगर मैं यहां पे देखू थ्री माइनस थ्री कर रहा हूं और छह माइनस छह कर रहा हूं तो भी आउटकम क्या आ रहा है जीरो जीरो आ रहा है so सो अब बच्चा देखो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पे डी हो जाएगा अगर आठ में से एक को घटाया तो सात आ रहा है लेकिन नौ में से जीरो को घटाऊंगा तो नौ आएगा जो कि बराबर नहीं है जो कि बराबर नहीं है तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी अवर करेक्ट आंसर डी विल be आपका जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी जो होगा हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है तो लॉजिक को समझो यहां पे समझो लॉजिक को किस तरह से क्वेश्चन आप अप्रोच कर सकते हो किस तरह से यहां पे क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना है ठीक है तो डी जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर होगा कैलकुलेशन 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 इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन जी अगला इट्साउट कैलकुल तीन सौ तैतालीस इक्कीस सात सौ उनतीस दो सौ छप्पन आंसर बताएंगे यहां पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा लॉजिक बेटा क्लासिफिकेशन में ऐसी सुबह अल्लाह लॉजिक चलते हैं आपके क्लासिफिकेशन के अंदर यही तो खासियत है कि यहां पे जो लॉजिक चलेंगे कैसे चलेंगे एकदम सुबह अल्लाह लॉजिक चलते हैं हमारे चलिए हिमांशु बोल रहे हैं सर समझ में नहीं आया अरे बेटा दोनों नंबर्स को माइनस करो अगर मैं छः में से पाँच को घटा रहा हूँ तो एक आ रहा है और अगर उधर में से नौ में से आठ को भी घटाऊंगा तो एक आएगा यानी कि दोनों साइड के जो नंबर हैं वो बराबर आ रहे हैं माइनस करने पे माइनस करने पे दोनों साइड के जो नंबर हैं वो क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं अब चल देखते हैं यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर यस कुछ बच्चे ए कर रहे हैं कुछ बच्चे बी कर रहे हैं कुछ सी कर रहे हैं और कुछ डी भी कर रहे हैं तो यहाँ पर ए बी सी डी चारों ही आंसर आ रहे हैं आप लोग के लथ सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर देखते हैं अब देखो यहाँ पे तीन क्या होगा सात का क्यूब है ये तो क्या है, 729 जो है, आपका 27 का 27 का है। और लास्ट में दो सौ छप्पन देखिए स्क्वायर है सोलह का स्क्वायर तो बाकी तीन नंबर तो क्या है आपके स्क्वायर है बाकी तीन नंबर क्या है स्क्वायर है लेकिन ये क्या आ रहा है आपका क्यूब आ रहा है तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी अवर करेक्ट आंसर यहाँ पे जो आपका होगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा तो जितने बच्चों ने आपको आंसर किया ए उन सभी का आंसर क्या है एकदम करेक्ट है एकदम करेक्ट एकदम करेक्ट जो आंसर आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा ए आ जाएगा वेरी गुड बच्चा लोग बहुत अच्छे ए जो होगा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत अच्छा शाबाश अच्छा एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है कि सुबह जो हमारी नौ बजे क्लास होती थी काफी सारे बच्चे कंप्लेन कर रहे थे काफी सारे बच्चे कंप्लेन कर रहे थे कि सर हम नौ बजे नहीं आ सकते नौ बजे नहीं आ सकते अब बेटा वो क्लास जो होगी आपकी दस बजे कर दी है मैंने मॉर्निंग का जो क्लास टाइम है वो अब 10 एम हो गया है तो कल से सभी को आना है 10 बजे कल से सभी को कितने बजे आना है 10 बजे तो रीजनिंग का जो शो होगा आपका कब होगा मॉर्निंग 10 एम सुबह 10 बजे जो आपका होगा कल जो आपकी क्लास होगी 10 बजे होगी ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन हां जी ए डी एच के एफ आई एम पी पी एस वी जेड जेड सी जी जे क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर हां जी देखते हैं क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर कोई बात नहीं अभी दस बजे आपकी क्लास होगी देखो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर टाइम चेंज कर दो टाइम चेंज कर दो सीओटी अटा टू फोर सेवन पे आपकी क्लास होगी चलिए एच के एफ आई एम पी पी एस वी जेड सी जीजे क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर चलिए क्या हो जाएगा यहां पे करेक्ट आंसर शाबाश एवरीवन हाँ जी यहां पे आंसर क्या हो जाएगा डी 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 गुड इवनिंग निखिल गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग बेटा बेटा जो हाँ जी आपको क्वेश्चन देख के शुभम चौबे आपको क्वेश्चन देख के लॉजिक लगाना पड़ेगा अब यहां पे देखो ए का नंबर क्या है एक है डी का नंबर है चार एच का नंबर है आठ और के का नंबर है ग्यारह यहां पे देखो आगे बढ़े प्लस यहां आगे बढ़े प्लस 4, और यहां आगे बढ़े प्लस 3. अब देखो एफ का नंबर कितना है हमारा छह आई का नंबर है नौ एम का नंबर है तेरह और यहाँ पे पी का नंबर कितना है हमारे पास में सोलह तो यहां से बड़े प्लस थ्री यहां से बड़े प्लस फोर और यहां से दोबारा बड़े प्लस थ्री आ गया सी में देखो पी का नंबर है सोलह एस का नंबर है उन्नीस वी का नंबर है बाईस और जेड का नंबर है हमारा छब्बीस तो प्लस थ्री आया प्लस थ्री आया लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है लास्ट में प्लस फोर आ रहा है लास्ट में क्या हो रहा है प्लस फोर हो रहा है अब डी पे चलते हैं डी पे डी पे देखो जेड का नंबर है छब्बीस सी का नंबर है तीन जी का नंबर है सात और यहां पे जे का नंबर है दस तो यहां पे देखो प्लस थ्री बढ़े यहां पे प्लस फोर बढ़ गए और यहां पे कितना बढ़ रहे हैं प्लस थ्री बढ़ रहे हैं तो बेटा देखो डी में और ए में और बी में सेम लॉजिक लग रहा है लेकिन सी जो है वहां पे हमारा लॉजिक क्या लग रहा है प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर का लॉजिक लग रहा है सो so, यहाँ पे ऑर्ड वन आउट जो होगा हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा तो जितने बच्चों ने आंसर किया सी सभी का आंसर क्या होगा एकदम करेक्ट होगा एकदम करेक्ट जेब आंसर पूछ रहे हैं सर कैसे पता लगेगा कैसा लॉजिक होगा देखो कल मैंने लिखाया भी था कल मैंने तीनों टाइप के बारे में अच्छे से बताया भी था कि किस क्वेश्चन को किस तरह से आप लोगों को अप्रोच करना है ठीक है तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे लेना है सबसे पहले लेटर का प्लेस वैल्यू ले लेना है

तो यहां पे और भी बहुत सारे बैठे चलो अगला क्वेश्चन हाँ जी बबून पप एंट एंटलिंग कैटल काफ चीता और कब यहां पे क्या होगा करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा एवरी चलिए यहां पे क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर देखते हैं कितने बच्चे यहां पे करेक्ट आंसर करते हैं इसका यू विल गिव द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वन जी क्वेश्चन है हमारा बबून पप एंट एंटलिंग कैटल काफ और चीता और कब यहाँ पे ऑड वन आउट कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे जो ऑड वन आउट होगा हमारा कौन सा हो जाएगा बहुत इजी क्वेश्चन है बस लॉजिक को पकड़ लो लॉजिक को पकड़ लो हाँ जी क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर <coughs> ए हो जाएगा ए ए, ए ए अब देखो यहां पे क्या है कि एंट ant ant और एंटलिंग एंट यानी काफ ये भी करेक्ट है मवेशी और काफ मतलब जो भी है उसका बच्चा जो भी हो गया चीता और कब चीता के बच्चे को कब बोलते हैं ये भी सही है लेकिन यहां पे जो वन आउट है वो कौन सा है ये गलत है बबून का पब नहीं होगा तो आंसर हो, क्या हो जाएगा ठीक है पपी के बच्चे को क्या बोलते हैं पप बोलते हैं कुत्ते के बच्चे को क्या बोलते हैं पप बोलते हैं या फिर सॉरी पपी बोलते हैं उसको तो पपी बोलते हैं तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा ए जो होगा ऑड वन आउट हो जाएगा ए विल बी अवर ऑड वन आउट ठीक है ए जो होगा हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है कितने बच्चों का सही हो गया है चलो अट्ठारह क्वेश्चन नंबर अट्ठारह सात सौ इक्कीस नौ सौ दस आठ सौ ग्यारह छ सौ इक्यावन यहाँ पे ऑड वन आउट कौन सा हो जाएगा यहाँ पे ऑड वन आउट कौन सा हो जाएगा चलो शाबाश जल्दी से आंसर कर दो कौन सा यहाँ पे ऑड वन आउट होगा सात सौ इक्कीस नौ सौ दस आठ सौ ग्यारह छ सौ इक्यावन इन सभी में से जो ऑड वन आउट होगा कौन सा हो जाएगा आपको चार संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक भिन्न है उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जो एकदम अलग है यहाँ पे कौन सी अलग हो जाएगी एवरी वन क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर तो देखते हैं कितने बच्चे यहां पे इसका सही आंसर कर पाते हैं देखते हैं आप में से कितने लोग इसका करेक्ट आंसर कर पाते हैं लॉजिक पकड़ो बस यहां पे लॉजिक पकड़ में आ गया ना तो क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा अगर आपने लॉजिक पकड़ लिया तो क्वेश्चन जो है फटाफट से हो जाएगा अब देखो ऐसे क्वेश्चन को करेंगे तो कैसे करेंगे डी हाँ बी तो आंसर, आंसर कर रहे हैं कुछ बच्चे डी बी आंसर कर रहे हैं कुछ बच्चे सी बी आंसर कर रहे हैं अब देखो यहां पे मैं क्या करता हूं क्या किसी एक पर्टिकुलर संख्या से डिवाइड हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं ठीक है क्या इतने बड़े नंबर में हम प्राइम नंबर का पता लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे इतना जल्दी क्या यहाँ पे कोई स्क्वायर और क्यूब है नहीं है तो अगला काम क्या है कैलकुलेशन कैलकुलेशन है अगला काम क्या है हमारा कैलकुलेशन है एड करके देखते सात प्लस दो प्लस एक तीनों का आउटपुट कितना आ रहा है दस आ रहा है तीनों का आउटपुट कितना आ रहा है हमारे पास में 10 आ रहा है यहाँ पे देखते हैं नाइन प्लस वन, <त्रे> खते। खते। थी थी। थी थी। प्लस वन प्लस जीरो तीनों का आउटपुट कितना आ रहा है दस आ रहा है यहां पे भी जो आउटपुट आया हमारे पास कितना आ गया टेन आ गया अब यहाँ पे देखो आठ प्लस एक प्लस एक ये भी आउटपुट कितना दे रहा है हमें दस दे रहा है ये भी आउटपुट कितना दे रहा है हमें दस दे रहा है अब यहां पे देखो छः प्लस पाँच ग्यारह और प्लस एक की कितना हो गया बारह तो यहां पे जो आंसर आ रहा है हमारा क्या आ जाएगा डी आ जाएगा ऑप्शन डी जो होगा हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत अच्छे वेरी गुड तो जितने बच्चों ने आंसर किया डी सभी का आंसर क्या है एकदम करेक्ट है एकदम करेक्ट ठीक है जितने बच्चों ने डी आंसर किया है सभी का आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी और करेक्ट आंसर ऑप्शन डी जो होगा हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है बेटा चलो तो काफी सारे बच्चों का मैं देख पा रहा हूं यहां पे बहुत सारे बच्चों ने जो किया है करेक्ट आंसर किया है देखते हाँ जी अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन जी यहां पे कैसे करोगे इस क्वेश्चन को कैसे करोगे अब देखो ये क्वेश्चन जो है अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बस आपको लगाना है थोड़ा सा अपना दिमाग बस आपको लगाना है यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग और ये फटाफट -पट से हो जाएगा अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से पढ़ाए अगर आप लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग को अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा इसमें टाइम लगेगा ही नहीं क्योंकि इसकी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बता चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करने की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं क्वेश्चन में बता चुका हूँ कहाँ पर जब मैं कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रहा था तो पढ़ाते टाइम भी मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे आपको सारी ट्रिक्स कहां पे काम आएंगी यहाँ पे जो, जो जितनी भी ट्रिक्स होंगी सभी ट्रिक्स कहां पे काम आएंगी कि कोडिंग डिकोडिंग की सारी ट्रिक्स आपको एनालॉजी में भी हेल्प करेंगी क्लासिफिकेशन में भी हेल्प करेंगी सभी जगह पर सारी ट्रिक्स हेल्प करेंगी आपको चलिए वेरी गुड वंदना बहुत अच्छे बेटा वंदना बेटा शानदार सुपर बच्चा सुपर बच्चा वंदना ओनली डी 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 गुड इवनिंग प्रियंका बेटा वेरी गुड इवनिंग डी डी ठीक है तो कुछ बच्चे यहाँ पे आंसर कर रहे हैं डी निधा बेटा पढ़ लो थोड़ा सा निधा बेटा पढ़ाई कर लेते हैं आज थोड़ा सा है ना फिर बाद में हंस लेंगे हम लोग दोनों मिलके हंसेंगे अपन है ना हम सब लोग मिलके हंसेंगे फिर बाद में जब क्लास खत्म होगा फिर हम जोर जोर से हंसेंगे हा 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 हाँ हा. समझ गए तो अभी थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं निधा जी ठीक है चलो अब देखो यहाँ पे एल का अपोजिट क्या होता है ओ होता है एल का अपोजिट क्या होता है और के पी कमला पसंद ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए दोनों क्या हो गए एक दूसरे के अपोजिट हो गए यहां पे देखो एच एस हनी सिंह एच एस से क्या बना हनी सिंह अपोजिट हो रहे हैं। और जी टी जीटी रोड ये भी क्या है एक दूसरे के अपोजिट है यहां पे देखो बीवाई यानी कि बॉय बन गया और एफ यू से क्या बना फ्यूचर बन गया एफ यू से क्या बन गया फ्यूचर बन गया अपोजिट हो रहे ठीक है अब यहां पे देखो एम एन से तो मन बन गया एम एन से तो मन बन गया लेकिन v के साथ क्या आना चाहिए था ई e आना चाहिए था यहां 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 पे 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 इवनिंग होता, यहाँ पे क्या होता? इवनिंग होता 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 क्या तो अपोजिट जो है वो नहीं मिल रहे हमारी कौन सी ट्रिक चल रही है बाकी सभी में अपोजिट की ट्रिक चल रही है लेकिन यहां पर मुझे अपोजिट नहीं मिल रहा है सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी अवर करेक्ट आंसर यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ठीक है चलो आगे चलते हैं ट्वेंटी हाँ जी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अगला क्वेश्चन ए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार इतना लपड़ाएंगे ना तुम्हें इतना लपड़ाएंगे यहीं से लपड़ फेंक के मारेंगे वहीं पे आगे लगेगा तुम्हारी गुद्दी पे पढ़ने दो बच्ची को चलो हां निदा करेगी इसका आंसर निधा बेटा जल्दी से आंसर करो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हां जी निधा जी निधा करेंगी इसका आंसर क्या होगा निधा बेटा इसका करेक्ट आंसर स्नेहा बेटा बाकी सभी में क्या है अपोजिट लेटर चल रहे हैं जब आप कोडिंग डिकोडिंग की क्लास देखोगे तो मैंने वहां पे बताया था कि किस तरह से हम अपोजिट लेटर को क्या करते हैं याद करते हैं वहां पे सारा मैंने डिटेल में बताया हुआ है एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में बताई हुई है किस तरह से हम लोग अपोजिट लेटर की ट्रिक को अप्रोच करते हैं चलिए यहाँ पे आंसर आ रहे हैं डी यहाँ पे आंसर क्या आ रहे हैं डी 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 चलिए अनु का आंसर आया बी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार का आंसर बी खुशी कुमारी का आंसर डी चलिए देखते हैं अब यहां पे क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर एच का नंबर होता है बेटा आठ और के का नंबर है ग्यारह तो दोनों में कितना डिफरेंस है प्लस का L का का नंबर नंबर होता है o है पंद्रह तो यहां पर का नंबर है बेटा बीस और डब्ल्यू का नंबर है ट्वेंटी थ्री तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है प्लस थ्री हो रहा है लेकिन एन का नंबर है चौदह और के का नंबर है ग्यारह यहां पे हम क्या कर रहे हैं माइनस थ्री कर रहे हैं माइनस थ्री कर रहे हैं तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा डी आ जाएगा बाकी सभी में हम क्या कर रहे हैं प्लस थ्री कर रहे हैं लेकिन यहां पे हम क्या कर रहे हैं माइनस थ्री कर रहे हैं सो क्लियर हुआ सभी को एवरी वन इज इट क्लियर टू एवरी वन ठीक है बाकी सभी में प्लस थ्री का लॉजिक चल रहा है लेकिन यहां जो लॉजिक चल रहा है हमारा क्या चल रहा है माइनस थ्री का लॉजिक चल रहा है डी में ठीक है बच्चा लोग चलो जी अगला बनारस हरिद्वार कानपुर और मथुरा बनारस हरिद्वार कानपुर और मथुरा इन चारों में से कौन सा अलग हो जाएगा जी बिल्कुल हिमायत आपका एकदम सही था बहुत अच्छे जी बहुत अच्छे तो क्या होगा यहां पे आप लोगों का करेक्ट आंसर बनारस हरिद्वार कानपुर और मथुरा अब अगर इसमें गलती कर दी ना इसमें अगर तुम लोगों ने गलती कर दी समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं अब समझ तो तुम गए ही हो क्या बोलना चाह रहा हूं अब देखो समझदार के लिए इशारा काफी होता है समझदार का इशारा ही काफी होता है समझदार के लिए तो अब तुम समझ गए होगे क्या आंसर होना चाहिए यहां पे चलो वेरी गुड देखो अभी भी पुष्पित आंसर कर रहा है डी पुष्पा का आंसर डी आया अरे भैया पुष्पराज झुकना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए ऐसा नहीं है कि झुकेगा नहीं झुकना पड़ेगा पुष्पराज इस क्वेश्चन के लिए तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारा देखो बनारस बनारस हरिद्वार कानपुर और मथुरा

मथुरा से कौन सी नदी निकल रही है यमुना तो यहां आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी अवर करेक्ट आंसर जो डी होगा यहां पे हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा अबे नालायक को डी आंसर आएगा इसका कैसे बाकी तीनों जगह से कौन सी नदी निकल रही है गंगा नदी निकल रही है लेकिन मथुरा से कौन सी नदी निकल रही है यमुना नदी निकल रही है तो मैंने यहाँ पे क्या करा था कल ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाया था लेकिन फिर भी इतने नालायक बच्चे इतने नालायक बच्चे आंसर क्या कर रहे हैं सी कर रहे हैं अब बताओ मैं कहाँ जाके कहा कौन से कुएं में जाके कूद जाऊं मुझे ये बता दो तुम लोग कि पढ़ाने के बावजूद तुम्हारी ये हालत है तो मुझे बता दो कि तुमने तो वो वाला हाल कर दिया मेरा कि मैं चंद्रमुखी तू सूरजमुखी मैं चंद्रमुखी तू सूरजमुखी तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी तू छत से जाके कूद जा मैं भी सुखी और तू भी सुखी तो तुमने तो मेरा ये वाला हाल कर दिया कि बता दो कहां से जाके कूदना है मेरे को चलो आगे चलते हैं आगे चलते हैं चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू हाँ जी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू सत्रह कॉमा इकहत्तर तेईस कॉमा बत्तीस नाइनटीन कॉमा नाइन जीरो फोर्टी सिक्स कॉमा सिक्सटी फोर यह बहुत इजी क्वेश्चन है ये बहुत इजी क्वेश्चन है तो यहां पे क्या करेंगे यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे चलो जल्दी से इसका आंसर कर दो क्या हो जाएगा देखो मुस्कान तो बोल रही है सर गंगा में जाके कूद जाओ देखो मुस्कान ने तो तैयारी भी कर ली कि सर जाइए गंगा में जाके कूद जाइए वाह बेटा वाह मुस्कान अगर तुम्हारे जैसे हमारे स्टूडेंट रहे ना तो तुम तो हमको जल्दी डुबो दोगे तुम तो हमें बहुत जल्दी डुबो दोगे चलिए देखते हैं यहां पे क्या आंसर हो जाएगा वेरी गुड देखो आंसर आने लगे सी 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 तो सभी का जो यहाँ पे सभी का क्या है रहा है तेईस कॉमा बत्तीस उन्नीस कोमा नब्बे छियालीस कॉमा चौसठ तो यहां पे जो आंसर होगा देखो सत्रह को अगर रिवर्स करके लिखूंगा सत्रह को अगर रिवर्स करके लिखूंगा तो यहां पे कितना आ जाएगा सेवनटी वन आ जाएगा 23 को अगर रिवर्स करके लिखूंगा तो कितना आ जाएगा बत्तीस आ जाएगा तेईस का रिवर्स कितना होगा बत्तीस हो जाएगा ठीक है और उन्नीस का अगर मैं रिवर्स करता तो कितना आता नाइनटी वन आता लेकिन यहां तो नब्बे आ रहा है तो यही गलत है और फोर्टी सिक्स का जब मैंने रिवर्स करा तो कितना आ रहा है सिक्सटी फोर आ रहा है फोर्टी सिक्स का जब मैंने रिवर्स करके देखा तो क्या हो गया हमारे यहां पे सिक्सटी फोर हो गया तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट आंसर सी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही बिल्कुल सही एकदम सही बोला है एकदम सही बोला राजपूत था, मैंने देख लिया था। तो यहां पे करोगे दोनों नंबर को जोड़ लो तो भी जो आउटपुट आएगा वो सेम ही आएगा हमारे पास में ठीक है चलो अगला क्वेश्चन सर्कल स्क्वायर एंड ट्राइंगल इसमें से कौन सा जाएगा स्पेयर सर्कल स्क्वायर एंड ट्राइंगल इसका ऑर्ड बन आउट क्या हो जाएगा चलिए <coughs> देखो बेटा 132 बच्चे क्लास में 132 सौ 135 हो गए और लाइक सिर्फ सड़सठ हैं इतनी हमारे साथ तुम क्या करोगे इतनी वो करोगे मतलब आ, क्या बोलेंगे इसको क्या बोल गए अरे मैं भूल गया क्या बोलते हैं इसको नाइन साफी करोगे तुम मेरे साथ में नाइन साफी नाइन साफी तो जल्दी से क्लास को लाइक शेयर कर दो एक बार जिससे सारे बच्चों के पास हमारी क्लास पहुंच जाए बेटा ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट का भला हो सबका सीयूईटी निकले मैं तो यह चाहता हूं सारे बच्चे सीयूईटी में टॉप मार जाओ तुम जितने भी बच्चे क्लास में हो चलो हां जी अब देखो नया साल है नया रिजोल्यूशन लिया है ना नया रिजोल्यूशन लिया है तो क्या है कि तुम्हारा ड्रीम कॉलेज तुम्हारा हो ड्रीम कॉलेज और ड्रीम कॉलेज तक जाने में तुम्हारी हेल्प कौन करेगा हनी सर करेंगे हनी सर करेंगे तुम्हें ड्रीम कॉलेज लेके जाएंगे क्योंकि बेटा जनरल टेस्ट में एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है पांच नंबर का जनरल टेस्ट में एक क्वेश्चन कितने का है आपका पांच नंबर का तो हम अगर रीजनिंग के आपके पास पच्चीस क्वेश्चन आ गए सोचो पेपर में अगर ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन गए दैट मीनस कितने मार्क्स की रीजनिंग हो गई आपकी एक सौ पच्चीस नंबर की एक सौ पच्चीस नंबर की समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं सिंपल so सी बात यही है यहां पे अगर आपको आगे जाना है आगे जाना है तो जी को आपको सीरियस लेना पड़ेगा क्योंकि आपकी पर्सन को बहुत अच्छा कर देगा जी ठीक है चलो देखो स्पेयर सर्कल स्क्वायर और ट्राइंगल तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्पेयर हो जाएगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्पेयर हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि ये कैसा है आपका थ्री डायमेंशनल फिगर है स्पेयर का जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा हमारा फिगर बनेगा थ्री डायमेंशनल बनेगा लेकिन सर्कल स्क्वायर और ट्राइंगल का जो बनेगा कैसा बनेगा टू डायमेंशनल बनेगा टू डायमेंशनल सर्कल स्क्वायर और इसका जो बनेगा वो कैसा बनेगा टू डायमेंशनल बनेगा और यहां पे जी बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल इसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे वहां पे ठीक है तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा स्पेयर का जो आपका इमेज है थ्री डायमेंशनल है बाकी तीनों का क्या है टू डायमेंशनल है तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर यस वेरी गुड सुप्रीम कोर्ट जी हिमायत आपका भी आंसर सही, सही था बहुत अच्छे बेटा हाँ जी टंग नोज हैंड एंड एनाइज टंग नोज हैंड एंड एनाइज जीभ नाक हाथ और आंख यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हाँ जी टॉ टंग नोज हैंड एंड आईज करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइजर है अरे बेटा कंजूसी करके क्या ले लोगे कहां जाओगे छोटा सा जीवन है इतू सा जीवन है जीवन क्या है पानी का बुलबुला है जिस दिन फूटेगा टप से फूट जाएगा समझ गए कि जीवन क्या है पानी का बुलबुला है जिस दिन फूटना होगा ना टप से फूट जाएगा तो कहां जाओगे चलिए आगे आंसर करेंगे क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर शाबाश सो यहां पे आंसर आ रहा है थ्री सी आंसर कर रहे हैं सभी लोग आंसर क्या कर रहे हैं सी कर रहे हैं वेरी गुड बहुत अच्छे कुछ बच्चे ए भी आंसर कर रहे हैं कुछ बच्चे ए भी आंसर कर रहे हैं और कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं सी देखते हैं क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर हमारा करेक्ट आंसर चलो भैया चलो आगे देखते हैं आगे देखते हैं टंग का मतलब जीब हो गई आपका कैसा ऑर्गन है सेंसिंग ऑर्गन है आपका कैसा है सेंसिंग ऑर्गन है नोज भी कैसा है बेटा सेंसिंग ऑर्गन है नोज भी कैसा है सेंसिंग ऑर्गन है और आइज भी कैसी है आपकी सेंसिंग है आइज भी कैसी है सेंसिंग है लेकिन हैंड जो है ये क्या है आपका नॉन सेंसिंग है ये क्या है आपका नॉन सेंसिंग है तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा तो गुरिया कुमारी एक्सपॉक्स मनीषा संस्कृति तिवारी सभी का आंसर सी आ रहा है तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी विल बी अवर करेक्ट आंसर हिमायत बेटा एक ही आंसर करना है पेपर में भी ऐसे दो आंसर नहीं करेंगे ना सी हमारा करेक्ट आंसर होगा ठीक है वेरी गुड कोमल बेटा बहुत अच्छे कोमल बहुत अच्छे बच्चा एकदम सही रीजन बताया आपने कितने बच्चे यहाँ पे सही आंसर करते हैं इस क्वेश्चन का लेट सी हाउ मेनी ऑफ यू गिव द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वन में से कितने बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करते हैं हंड्रेड वन नाइनटी फोर वन जीरो पे ऑड वन आउट क्या हो जाएगा आप सभी का एवरी वन शबाश क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा चलो चलो सबका आंसर आना चाहिए क्लास में जितने बच्चे हैं सबका आंसर आना चाहिए यहाँ पे क्या हो जाएगा चलिए कुछ बच्चे कर रहे हैं एक सौ एक कुछ बच्चे कर रहे हैं एक सौ एक हाँ जी समूडेंट आर से वन जीरो वन हो जाएगा कुछ जो बच्चे बोल रहे हैं सर क्या हो जाएगा एक सौ एक हो जाएगा तो रीजन भी दे दो मेरे लाड़ लो क्यों हो जाएगा एक सौ एक कि अगर एक सौ एक आंसर आएगा तो क्यों हो जाएगा एक सौ एक क्या हो जाएगा क्यों हो जाएगा यहाँ पे अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है देखते हैं क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर देखो तुम्हारा सबका आंसर जो आएगा गलत आएगा प्राइम नंबर का लॉजिक ही नहीं लग रहा बेटा यहाँ पे प्राइम नंबर का तो लॉजिक ही नहीं लग रहा मेरे लाडले ये क्वेश्चन आपको जान के फंसाने के लिए दिया गया है ये क्वेश्चन जान के फसाने के लिए दिया गया है बहुत अच्छा क्वेश्चन है अब देखो अब यहां पे देखो आप हंड्रेड किसके लिए डायल करते हो इंडिया में आप हंड्रेड किसके लिए डायल करते हो शबाश पुलिस अगर हंड्रेड तो डायल करोगे पुलिस अगर बुलानी है तो किसके क्या डायल करोगे हंड्रेड डायल करोगे वन जीरो वन किसके लिए डायल करते हो हाँ बच्चा लोग वन जीरो वन जो है किसके लिए डायल करोगे आप एक सौ एक किसके लिए डायल करते हैं हम फायर के लिए 101 किसके लिए अगर फायर सर्विसेज चाहिए तो 101 डाउन डाउ, हम क्या करेंगे डायल करेंगे और 108 जो है 108 जो है आप किसके लिए डायल करोगे 108 किसके लिए हेल्थ के लिए अगर आपको एम्बुलेंस बुलानी है तो आप किसके लिए डायल करोगे हेल्थ के लिए यहां पे 108 डायल करोगे लेकिन 194 जो है आप किसी के लिए भी आपका हेल्पलाइन नंबर नहीं है 194 जो है आपका किसी का भी हेल्पलाइन नंबर नहीं है तो मैंने बोला था इस क्वेश्चन का लॉजिक थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन इसका लॉजिक बहुत अलग है और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है मैं नहीं कह रहा सी यू के एग्जाम में आया है बाकी और जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं वहां पे ये क्वेश्चन दिया गया और बहुत सारे बच्चे इसको क्या करके आए गलत करके आए तुम्हारी तरह बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया इसको गलत आंसर किया उन्होंने आंसर क्या कर दिया वन आंसर कर दिया जबकि यहां पे लॉजिक दूसरा लगाना था जबकि यहां पे लॉजिक क्या लगाना था दूसरा लगाना था तो कई बार बेटा इस टाइप से भी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कई बार इस तरह से भी यहाँ पे लॉजिक दे दिए जाते हैं ठीक है हाँ सब तरह की ट्रिक होती है तो, तो यहां पे सब कुछ मिलेगा यहाँ पे सब कुछ मिलेगा अड्डा टू फोर सेवन सीयू टी पे आपको सब कुछ मिलेगा सीयूटी अड्डा टू फोर सेवन जो है सब कुछ मिलेगा चलो बियर बैट पेंग्विन एंड डोल्फिन यहाँ पे अलग ऑड वन आउट क्या हो जाएगा ऑड वन आउट जो होगा वो क्या हो जाएगा यस बियर मतलब मतलब भालू बैट मतलब चमगादड़ चंग, पेंगविन और डोल्फिन इनमें से कौन सा ऑड वन आउट हो जाएगा इनमें से कौन सा यहाँ पे ऑड वन आउट हो जाएगा अब बेटा क्वेश्चन का जो लॉजिक है अब वो लॉजिक तो चल ही रहा है ना अब उसमें सर भी क्या कर सकते हैं बताओ एक बात बताओ कि यहां पे सर भी क्या कर लेंगे हाँ जी क्या हो जाएगा बियर बैट पेंगुइन बियर बैट पेंगविन और आपका डॉल्फिन तो कौन सा ऑड वन आउट हो जाएगा डी हो जाएगा डी हो जाएगा कुछ बच्चे ए भी आंसर कर रहे हैं कुछ सी भी आंसर कर रहे हैं अभी तुम कोई आंसर छोड़ते भी हो सारे आंसर तो तुम दे देते हो डी तुम्हारे सारे आंसर तो आ जाते हैं एबीसीडी कुछ छोड़ते भी हो चलो अब यहां पे आंसर क्या होगा देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है ये भी अच्छा क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा देखते हैं देखो इसका आंसर क्या होगा सी होगा हमारा सी सी इसका आंसर क्या होगा हमारा सी होगा ऑप्शन सी विल बी अवर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा ना कि डी होगा सी विल बी करेक्ट आंसर देखो बियर क्या है ये भी बच्चे पैदा करते हैं है, मेमल्स से बैट भी क्या है मैमल्स हैं डॉल्फिन भी क्या है बच्चे पैदा करती है मेमल्स हैं लेकिन पेंगुइन जो है अंडे अंडे देते हैं है, है। पेंगुइन क्या, है, क्या देते हैं अंडे देते हैं पेंगुइन क्या करते हैं अंडे देते हैं अंडे देते हैं सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा सी आ जाएगा ऑप्शन सी विल बी अवर करेक्ट आंसर यहाँ पे जो हमारा करेक्ट करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा सी आ जाएगा क्योंकि पेंगुइन क्या करते हैं अंडे देते हैं बेटा अंडे देते हैं अंडे देते हैं पैंगविन जो है आपके अंडे देंगे चलो एक बहुत इजी सा क्वेश्चन दे रहा हूं देखते हैं कितने लोग आप में से आंसर करते हैं उसका बहुत इजी क्वेश्चन दे रहा हूं बहुत ईजी देखते हैं कितने लोग आपके आंसर करेंगे हंड्रेड सिक्स थर्टी सिक्स और सिक्सटीन इसमें से ऑड वन आउट बताओ चलो इसमें से ऑड वन आउट क्या हो जाएगा 164 36 एंड 16 इसका ऑड वन आउट क्या होगा देखते हैं आप में से कितने लोग यहां पे करेक्ट आंसर करेंगे लेट्स सी टकला जोनी अरे भैया टकला जोनी गुड इवनिंग बेटा टकला जोनी गुड इवनिंग गुड इवनिंग हाँ जी 164 36 और 16 इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा अब कोई एक बच्चा क्लास लाइक कर दो अपने हंड्रेड लाइक हो जाएंगे तो किस बच्चे ने क्लास लाइक नहीं करी है चलो वेरी गुड बहुत अच्छे हंड्रेड लाइक्स हो चुके हैं हंड्रेड लाइक्स बहुत अच्छे वन फिफ्टी टू स्टूडेंट आ चुके हैं हमारी क्लास में सो सभी लोग दबा के सेशन को लाइक शेयर दो एक बार सारे बच्चे हां जी हंड्रेड सिक्सटी फोर थर्टी सिक्स सिक्सटीन क्या होगा ऑड वन आउट सो देखो यहां पे आंसर आ रहा है सोलह भी आ रहा है कुछ तो चौंसठ भी कर रहे हैं कुछ छत्तीस भी कर रहे हैं कुछ सोलह भी कर रहे हैं अब देखो यहां पे आंसर क्या होगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगर हंड्रेड होगा तो क्यों होगा सिक्सटी फोर होगा तो क्यों होगा थर्टी सिक्स होगा तो क्यों होगा और सोलह होगा तो क्यों होगा समझो बच्चा लोग यहाँ पे हंड्रेड क्या होता है बेटा टेन का स्क्वायर होता है हंड्रेड क्या होता है बेटा टेन का स्क्वायर होता है सिक्सटी फोर क्या होता है एट का स्क्वायर होता है थर्टी सिक्स क्या होता है बेटा सिक्स का स्क्वायर होता है और सिक्सटीन क्या होता है बेटा फोर का स्क्वायर होता है तो चारों नंबर स्क्वायर तो हैं चारों नंबर हमारे क्या है स्क्वायर तो हैं लेकिन सिक्सटी फोर साथ में फोर का क्यूब भी होता है लेकिन जो 64 है वो साथ में किसका क्यूब होता है फोर का क्यूब भी होता है इसलिए यहां पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा तो जितने बच्चों ने आंसर किया है बी सभी का आंसर क्या आ जाएगा करेक्ट हो जाएगा नहीं बेटा मिनल हंड्रेड जो है थ्री डिजिट्स में इसलिए ऐसा नहीं होगा आंसर ये हो जाएगा यहां पर हमारा बी करेक्ट आंसर क्यों आएगा क्योंकि सिक्सटी जो है स्क्वायर के साथ साथ क्या है क्यूब भी है 64 जो है स्क्वायर के साथ क्यूब भी है तो यहां पे जो करेक्ट आंसर आएगा हमारा बी आ जाएगा बी correct आंसर ऑप्शन बी जो होगा यहां पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए आगे चलते हैं आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन जी. मोमेंटम एसिलरेशन टेम्परेचर एंड एनर्जी क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर इसका तो आंसर कर दोगे सभी लोग इसका तो आंसर कर दोगे सभी लोग इसका तो सभी लोग आंसर कर दोगे जी मैक्सिमम आंसर बी था यस वेरी गुड बहुत अच्छे चलिए आगे चलते हैं मोमेंटम यानी कि गति एक्सिलरेशन यानी कि त्वरण टेम्परेचर यानी कि तापमान एनर्जी यानी कि ऊर्जा चारों में से कौन सा वॉड वन आउट हो जाएगा चारों में से जो हमारा वन आउट होगा कौन सा हो जाएगा यस एवरी यस क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पे हमारा करेक्ट आंसर एवरी सी 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 अब लॉजिक भी दे दो सी आंसर क्यों होगा अगर डी आंसर होगा तो डी क्यों होगा चलो लॉजिक भी बता दो डी भी बता दो अगर सी होगा तो सी क्यू होगा डी होगा तो डी क्यू होगा जल्दी से मेरे को लॉजिक भी बता दो क्यों होगा यहाँ पे क्यों होगा चलो विद लॉजिक आंसर करो देखते हैं तुम में से कितने बच्चे यहां पे लॉजिक के साथ आंसर कर पाते हैं देखते हैं आप में से कितने बच्चे जो यहां पे हैं लॉजिक के साथ आंसर कर पाएंगे अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो क्या है बहुत इजी क्वेश्चन है देखते हैं आप में से कितने बच्चे यहाँ पे एकदम सही और आसान तरीके से आंसर करेंगे बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है लॉजिक बता दो जल्दी से मेरे को क्या लॉजिक लग रहा है यहां पे जल्दी से लॉजिक बता दो क्या लॉजिक लग रहा है यहां पे एवरी चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा सी हो जाएगा टेम्परेचर इज नॉट डायरेक्टली एनर्जी कांट भी मेजर्ड कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर एनर्जी आंसर होगा क्योंकि एनर्जी को मेजर नहीं किया जा सकता अच्छा और कोई आंसर बी ऐसा यूनिट है बी ऐसा यूनिट है कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं कि सर बी हो जाएगा क्योंकि ऐसा SI यूनिट है कुछ बच्चे सी भी बोल रहे हैं कि सर सी हो जाएगा क्योंकि ऐसा SI यूनिट है सी को भी कुछ ऐसा SI यूनिट बता रहे हैं। तो एक लॉजिक एक दे दो देखो एक लॉजिक दे दो आंसर क्या हो जाएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है एकदम इजी क्वेश्चन है एकदम इजी क्वेश्चन तो इसमें तो आई थिंक इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपको इस क्वेश्चन में तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए देखते हैं आप में से कितने लोग यहां पे सही आंसर कर पाते हैं यस yes, एवरीवन अरे कोई तो एक सही लॉजिक दे दो मेरे को कोई एक जना तो सही लॉजिक दे दो कोई एक ऐसा बच्चा जो सही लॉजिक देगा बहुत इजी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है बहुत कंफ्यूजन है देखो आप समझो यहां पे देखो मोमेंटम क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, है या नहीं है ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी है आपका ये क्या है है वेक्टर क्वांटिटी एसिलरेशन भी क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी है भी क्या है है वेक्टर क्वांटिटी ठीक है अगर मैं बात करूं टेम्परेचर और एनर्जी की तो टेंचर और एनर्जी में से यस वेरी गुड बहुत अच्छे फरजान फरजान बहुत अच्छे बेटा फरजान वेरी गुड फरजान बहुत अच्छे बेटा एकदम सही आंसर किया आपने फरजान बहुत अच्छे अब देखो टेंपरेचर भी क्या है वेक्टर आपका क्वांटिटी है लेकिन ऊर्जा जो है ये क्या है स्केलर क्वांटिटी है ये क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी है तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा डी हो जाएगा वेरी गुड बहुत अच्छे बेटा लाजवाब 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 बच्चा ऑप्शन डी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी और करेक्ट आंसर ऑप्शन डी जो होगा हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ठीक है क्लियर हुआ हां तुम तो बस यही करोगे ना है ना चलो अब देखो रोमियो एंड जूलियट एडम एंड ईव जैक एंड जिल ब्रदर एंड सिस्टर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है इसका तो आंसर कर दोगे इसका तो आंसर कर दोगे रोमियो एंड जूलियट एडम एंड ईव जैक एंड जिल ब्रदर एंड सिस्टर यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आंसर कर दो मेरे लाड लो क्या होगा यहां पर हमारा करेक्ट आंसर शबास एवरी वन जी अमन आपने बिल्कुल यही ट्रिक लगाया तो बेटा अमन आपका सही भी हो गया आपका सही भी हो गया ठीक है जी अनु आपने भी डी बोला था चलिए बहुत अच्छे बेटा बेटा आज के क्वेश्चन बड़े शानदार क्वेश्चन है तुम्हारे पेपर में फंस गए ना तुम लोग हनी सर को याद करोगे पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चन फंस गए ना हनी सर को याद करोगे कि सर की क्लास में हमने ऐसे क्वेश्चन पढ़े थे सर की क्लास में ऐसे क्वेश्चन पढ़े थे हम लोगों ने चलो अब देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा रोमियो एंड जूलियट भैया सबने पढ़ा होगा सबने प्ले भी देखा होगा एडम एंड ईव इसकी तो मूवी भी है ठीक है जैक एंड जिल वेंट ऑन द हिल ठीक है ये तो तुमने बचपन से पॉइंट गाई है लेकिन यहां पे आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ब्रदर एंड सिस्टर जो एकदम अलग होगा तो ऑड वन आउट यहां पे क्या हो रहा है डी हो रहा है ब्रदर एंड सिस्टर तो डी विल बी आवर करेक्ट आंसर क्या बोल रहे हो कुछ ऐसी आवाज आ रही है कि सर ऐसे ही क्वेश्चन आने चाहिए एग्जाम में कि ऐसी आवाज आ रही है मुझे सर ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाने चाहिए मुझे ऐसा ही कुछ सुनाई दे रहा है कुछ बच्चे चिल्ला रहे हैं देखो अमन चिल्ला रहा है सर काश ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आ जाए मजे से आ जाएंगे कि काश ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाए मजा आ जाएगा सर ठीक है जी बिल्कुल सत्यम बेटा इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी हाँ जी क्वेश्चन नंबर अट्ठाइस वॉलीबॉल एट कबड्डी सात बेसबॉल नाइन पोलो चार अब बताएंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वॉलीबॉल एट कबड्डी सेवन बेसबॉल नाइन पोलो फोर क्या होगा यहां पे हमारा करेक्ट आंसर चलिए देखते हैं श्योर श्योर बेटा यम सैयद जी आप बिल्कुल कर सकते हैं चलिए देखेंगे क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पे? जूसी बेटा आज आप बहुत लेट हो गए क्यों हो गए लेट बेटा जूसी जी क्यों लेट हुए गलती है ना लेट नहीं होना है पता है डेली क्लास नौ बजे होती है तो नौ बजे ही आने का है समझ गए ना हाँ बेटा जूसी क्या कर रहे थे बेटा किस काम में बिजी हो गए थे किस काम में बिजी हो गए थे सो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर अब देखो इसका तो गलत नहीं होना चाहिए इसका तो गलत नहीं होना चाहिए अबे वाह अबे वाह बहुत अच्छे देखो क्या आंसर आ रहा है डी आ रहा है तुम्हारा डी आ रहा है अरे वहां पे नंबर ऑफ प्लेयर साफ साफ लिख के दिए गए वॉलीबॉल एट कबड्डी सेवन बेसबॉल नाइन पोलो फोर पोलो फोर तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं सात होते हैं बिल्कुल होते हैं सर बिल्कुल होते हैं कबड्डी में सात खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल में नाइन होते हैं हाँ जी सर बिल्कुल बेसबॉल के अंदर नाइन प्लेयर होते हैं बेसबॉल में नाइन प्लेयर होते हैं पोलो में कितने होते हैं चार होते हैं चार ही तो होते हैं पोलो में लेकिन वॉलीबॉल के अंदर कितने प्लेयर होते हैं बेटा छह प्लेयर होते हैं वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं छह प्लेयर होते हैं तो आंसर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा ऑप्शन ए डी कहां से आंसर कर रहे हो डी कहां से आंसर कर रहे हो जी वेरी गुड बहुत अच्छे हिमांशु हिमांशु बेटा वेरी गुड बहुत अच्छे बेटा हिमांशु एकदम सही आंसर किया है आपने ए जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा वॉलीबॉल के अंदर हमारे कितने प्लेयर होते हैं छह प्लेयर होते हैं वॉलीबॉल के अंदर सो so, यहाँ पे आमिर बेटा यस यू कैन यस यू कैन यस यू कैन मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया आमिर ठीक है सो so, वॉलीबॉल में छे होते हैं कबड्डी में सात होते हैं बेसबॉल में नौ होते हैं पोलो में चार होते हैं लेकिन यहां पे कितना गिवन है आपको आठ दिया हुआ है यहां पे कितना दिया हुआ है आठ दिया हुआ है तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ऑप्शन ए ठीक है बेटा जूसी ओके सो अभी समझ में आ गया सभी को अभी समझ में आ गया पोलो और गोल्फ में कंफ्यूज हो गए थे तो बेटा देखो यहां पे तो साफ साफ नंबर ऑफ प्लेयर्स दिए गए हैं तो इस क्वेश्चन में तो दिमाग लगाना ही नहीं था यार इसका तो सीधा सीधा ए आंसर आ जाता क्वेश्चन जो है इसमें तो आप लोगों को दिमाग लगाना ही नहीं था सीधा सीधा आंसर क्या आ जाता ए आ जाता समझ गए अब देखो प्रियमवत राय क्या बोल रहे हैं सर पोलो में घोड़े भी तो होते हैं अरे तो घोड़े थोड़ी ना खेलते हैं चलिए शूज पॉलिश टॉर्च बैटरी कार पेट्रोल टी कॉफी क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर अब देखो यह तो बहुत इजी क्वेश्चन है यह तो बहुत इजी क्वेश्चन है शू पॉलिश टॉर्च बैटरी कार पेट्रोल टी कॉफी क्या होगा यहां पे हमारा करेक्ट आंसर एवरीवन नीलम आपको नहीं पता था बेटा देखो तुम्हें लग रहा है ना कि आज की क्लास में सर कैसे कैसे लॉजिक लगा रहे हो आप लेकिन बेटा ऐसे ही लॉजिक एग्जाम में लगते हैं तो आज की क्लास देख के पता है क्या तुमको आइडिया हो गया आज से पहले आप लोगों को आइडिया नहीं था लेकिन आज की क्लास को पढ़ने का बेनिफिट क्या हुआ कि इस तरह से भी क्वेश्चन को अप्रोच किया जा सकता है आज की क्लास को पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ आप लोगों को कि इस तरह से भी जो जो आपका क्लास है आपके जो है आपके क्वेश्चन उनको अप्रोच किया जा सकता है आपके माइंड के अंदर एक अप्रोच बन गई आपके माइंड में क्या बन गई है अप्रोच बन गई है चलिए आगे चलते हैं शूज पॉलिश बिल्कुल सही है भैया पेयर बन रहा है पेयर बन रहा है शू पॉलिश का टॉर्च और बैटरी बिल्कुल सही बात है टॉर्च बैटरी का भी पेयर बन रहा है यहां पे

सिल्वर फिश आपको दिया है हाउस फ्लाई ड्रैगन फ्लाई स्टार फिश क्या हो जाएगा यहां पे करेक्ट आंसर देखते हैं कितने लोग यहां पे सही आंसर करेंगे देखते हैं आप में से कितने लोग यहां पे सही आंसर कर पाते हैं अब देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है बस इसका लॉजिक पकड़ लो इसका लॉजिक पकड़ लो हां जी सिल्वर फिश घरेलू मक्खी ड्रैगन फ्लाई तारा मछली इसमें से ऑड वन आउट क्या हो जाएगा तो यहां पे आंसर आ रहा है स्टार फिश यहाँ पे आंसर आ रहा है सभी का स्टार फिश आ रहा है वेरी गुड बहुत अच्छे तो डी सभी का क्या है करेक्ट आंसर है? है बाकी सारे क्या है हमारे इंसेक्ट है बाकी सभी हमारे क्या है इंसेक्ट है एक्सेप्ट स्टारफिश, एक्सेप्ट स्टारफिश, बाकी सारे क्या है इंसेक्ट है यानी कि कीड़े मकोड़े हैं यानी कि ये सभी क्या है कीड़े मकोड़े हैं तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्यम बेटा बी नहीं होगा बी नहीं होगा बी नहीं होगा बाकी सभी क्या है इंसेक्ट है लेकिन जो डी है तारा मछली वो क्या होगा स्टार फिश हमारा क्या है वो अलग हो जाएगा एक्सेप्ट डी चलो अगले क्वेश्चन पे थर्टी वन सोडियम स्ट्रॉन्टियम फ्रेंशियम और सीजियम क्या होगा कौन सा अलग हो जाएगा सोडियम स्ट्रॉनियम फ्रेंचियम एंड सीजियम कौन सा यहां पर ऑड वन आउट हो जाएगा कौन सा यहां पे ऑर्ड वन आउट हो जाएगा देखते हैं कितने बच्चे यहां करेंगे कितने बच्चे यहां पे आप में से करेक्ट आंसर करेंगे अब देखो ये पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है ये कैसा क्वेश्चन है मैं थोड़ा सा हिंट मैं दे रहा हूं कि ये पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल जो है उसका क्वेश्चन है आपका देखते हैं कितने बच्चे आप में से यहां से आंसर करेंगे वंशी आपका करेक्ट था बहुत अच्छे चलो देखते हैं क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर सोडियम स्ट्रॉन्टियम फ्रेंशियम और सीजियम देखते हैं क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा कुछ बच्चे सी कर रहे हैं कुछ बच्चे बी कर रहे हैं बी और सी में लड़ाई चल रही है बी और सी में सो so जितने बच्चे आंसर कर रहे हैं बी सभी का आंसर क्या है करेक्ट है जितने बच्चे बी आंसर कर रहे हैं सभी का आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि देखो ये तो कैसा है एलकली मेटल है ये एलकली है ये भी क्या है एलकली है ये भी क्या है एलकली है लेकिन यह कैसा है एलकेलाइन है लेकिन यह कैसा है आपका एल्केलाइन मैटर है यह कैसा है एल्केलाइन मेटल है सो so, यहां पे करेक्ट आंसर जो होगा बी हो जाएगा बाकी सभी एलकली मेटल हैं लेकिन ये कैसा है एल है एल तो बी विल बी अवर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जो होगा हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर तो वंश ब्यूटी केसरी सत्यम मनीष अभिषेक वीरेंद्र ब्यूटी दीपिका एस पॉल विराट कोहली सभी का आंसर क्या आ रहा है एकदम करेक्ट आ रहा है सभी का जो आंसर आ रहा है एकदम करेक्ट आ रहा है चलेंगे अगले क्वेश्चन पर हाँ जी क्वेश्चन नंबर थर्टी टू क्वेश्चन नंबर बत्तीस तो यहां पे क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हाँ जी बर्थ डेथ जन्म और मृत्यु ब्रेव कावर्ड बहादुर और कायर डैम्प एंड ड्राई नम एंड सूखा हंग्री एंड स्टार्व भूखा और भूखा। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा यहां पे करेक्ट आंसर अब देखो ये तो एकदम इजी है ये तो एकदम इजी है यस yes, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है हाँ जी ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है इसका तो इसमें तो गलती मत करो कम से कम इसमें तो गलती मत करो इसमें तो गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए हमारी इस क्वेश्चन में तो गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए इसका आंसर एकदम करेक्ट आना चाहिए हमारा हांजी एवरी वन क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर शबाश डी डी अब देखो सभी क्या है एक दूसरे के अपोजिट हैं सभी क्या है यहाँ पे बर्थ का अपोजिट क्या है डेथ है तो यहाँ पे अपोजिट हो गया ये ये क्या हो गया ऑपोजिट हो गया ब्रेव का अपोजिट क्या है कावर्ड कावर्ड तो बहादुर का कायर ये भी ऑपोजिट है ठीक है नम का सूखा डैम्प का ड्राई हो गया ये भी ऑपोजिट है लेकिन ये क्या हो गए आप दोनों के सिनोनिम्स हो गए ये क्या हो गए सिनोनिम्स हो गए ये क्या हो गया आपका सिनोनिम्स हो गया तो आंसर जो आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा डी आ जाएगा हंग्री एंड स्टार्ट हंग्री एंड स्टार्ट दैट विल बी अवर करेक्ट आंसर ठीक है चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी पे हाँ जी टर्निप टर्मरिक पंपकिन एंड रेडिश क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर शलजम हल्दी कद्दू और मूली कौन सा ऑर्ड वन आउट हो जाएगा कौन सा यहाँ पे आउट हो जाएगा टर्निप पंपकिन एंड रेडिश कौन सा यहाँ पे वन आउट होगा शाबाश जल्दी से आंसर कर दीजिए क्या होगा यहां पे आप सभी का ऑड वन आउट क्या होगा यहां पे सभी का ऑर्ड वन आउट यस एवरी क्या होगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर चलिए डी और सी अभी यहां पे आंसर आ रहे हैं चलिए बी और सी यहाँ पे करेक्ट कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं बी कुछ कर रहे हैं सी कुछ बच्चे जो आंसर कर रहे हैं बी कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं सी तो देखेंगे क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर हमारा अब ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है भाई इसमें तो गलती मत कर देना यार तो क्वेश्चन में तो बिल्कुल गलती मत कर देना देखते हैं भैया इस क्वेश्चन में कितने लोग सही आंसर करेंगे आप में से चल रहा है हाँ जी क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बी कुछ बच्चे बी आंसर कर रहे हैं कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं बी देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा पंपकिन इसका आंसर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा पंपकिन क्योंकि बाकी सभी जो है कहाँ पे पैदा हो रहे हैं बेटा अंडर द अर्थ बाकी सभी कहा है जमीन के अंदर पैदा हो रहे हैं लेकिन कद्दू जो है कहाँ लग रहा है ऊपर लग रहा है तो मेरे कद्दू यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा ऑप्शन सी विल बी अवर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जो होगा हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा देखो क्यों क्योंकि बाकी तीनों क्या है अंडर द अर्थ है बाकी तीनों क्या है अंडर द अर्थ पैदा हो रहे हैं लेकिन पंपकिन जो है एकदम ऊपर पैदा हो रहा है पंपकिन जो है ऊपर पैदा हो रहा है सो so, यहां पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर तुम्हारे हिसाब से आंसर थोड़ी ना करेक्ट होंगे जी वेरी गुड बहुत अच्छे बाकी सभी कैसे अंडरग्राउंड है लेकिन यहां पे सी जो होगा हमारा क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है बच्चा वेरी गुड नीलम बहुत अच्छे बेटा बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे नीलम ठीक है बच्चा लोग सो so, देखो कुछ बच्चे कोर्स के बारे में पूछ रहे थे यहां पे तो so, ये आज की क्लास थी आई होप कि आप सभी को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा ठीक है और आज के जो क्वेश्चन थे ना बेटा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे पेपर के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज के जो क्वेश्चन थे हमारे कैसे क्वेश्चन थे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे और पेपर में आप सभी से इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है अब देखो यहाँ पे देखो कुछ बच्चे कोर्स के बारे में पूछ रहे थे तो मैं कोर्स थोड़ा सा कोर्स के बारे में आपको बता रहा हूँ यहाँ पे देखिए आप सभी को जाना है गूगल पे अड्डा टू फोर सेवन पर और आपको ऑल कोर्सेज में जाना है जब आप ऑल कोर्सेज के अंदर जाएंगे जब आप ऑल कोर्सेज के अंदर जाएंगे तो आपको जाना है अंडर ग्रेडेड एंट्रेंस एग्जाम में आप सभी को जाना है अंडर ग्रेडेड एंट्रेंस एग्जाम में और अब आप किसकी तैयारी कर रहे हैं सी की आप सी की, की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा यहाँ पे सी के बहुत सारे कोर्सेज हैं अगर मैं बात करूँ सी के महापैक की अगर मैं बात करूं यहां पे सीयूटी के महापैक की तो देखिए सीयूटी के महापैक में आपके पास कितने सारी चीजें हैं सीयूटी के महापैक में आपके पास कितनी सारी चीजें हैं यहां पे सीयूटी का जो महापैक है ये आपको मिल रहा है सिक्स ट्रिपल नाइन के अंदर लेकिन इसके अंदर भी ऑफर्स अवेलेबल हैं यहां पे सी यू टी कॉमर्स का भी महापैक है साइंस का भी महापैक है इन सभी में आपको ऑफर्स मिल रहे हैं अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए इस पैक के अंदर आपको क्या क्या मिल रहे हैं इस पैक में आपको जो फीचर्स दिए जा रहे हैं देखो फीचर्स देखो क्या क्या फीचर दिए जा रहे हैं आपको वन थाउजेंड आर्स की लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस दी जा रही हैं चार सौ उन्तीस आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है यहाँ पे एक सौ इकहत्तर ई बुक्स दी जा रही है वन सेवेंटी वन आपको ई बुक्स दी जा रही है अब देखिए यहाँ पे आप जाके आपको सब कुछ पता लगेगा ह्यूमैनिटीज के बारे में आर्ट्स के बारे में सारी चीजों के बारे में आपको पता लगेगा अगर हम महापैक के बारे में बात करें अगर हम किसके बारे में बात करें महापैक के बारे में तो महाबैक के फीचर्स क्या क्या हैं? आपको मिलेंगी सारी जो कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा ई बुक्स दी जाएंगी, टेस्ट मिलेंगे रेगुलर मेंटरशिप एंड गाइडेंस सेशन होगा आप सभी का ठीक है अब यहां पे देखिए आप सभी अपने जो भी कोर्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सभी के बारे में भी पता कर सकते हैं सबके बारे में आप क्या कर सकते हैं पता भी कर सकते हैं अब देखिए यहां पे आपको मोक टेस्ट दिए जा रहे हैं वन टू वन इंट्रेक्शन दिया जा रहा है सारे आपके लैंग्वेज जो भी सब्जेक्ट हैं उनके बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया गया है अब मैं कोर्स की हाईलाइट के बारे में अगर आपसे बात करूँ अगर मैं किसके बारे में बात करूँ यहाँ पे कोर्स की हाईलाइट के बारे में बात करूँ कि कोर्स जो है यहाँ पर किस तरह से आपको लेना है यहाँ पे कोर्स जो है आपको किस तरह से लेना है देखिए यहाँ पर आपको बाई नाउ पे क्लिक करना है जब आप बाई नाउ पे क्लिक करेंगे बाई नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे आपको कूपन कोड डालना है यहाँ पे कूपन कोड अब अगर अगर आप डालेंगे वाई सिक्स नाइन वाई सिक्स नाइन 5S. आप आप कोड कोड लगाएंगे जब अप्लाई करेंगे अप्लाई करने पे आपको मिलेगा इतना डिस्काउंट ग्यारह सो नवासी रुपए का आपको डिस्काउंट मिलेगा आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा तो ये जो कोर्स है आपका कितने में पड़ेगा आप लोगों को पांच हजार आठ सौ नौ रुपए में ये जो कंप्लीट कोर्स है आपको मिलेगा पांच हजार आठ सौ नौ रुपए में पूरा कोर्स मिल जाएगा जो कि आपका है महापैक का ये आपका ह्यूमेनिटीज महापैक कॉमर्स का महापैक साइंस का महापैक जो भी आपको महापैक लेना है उसके ऊपर जब आप ये कोड अप्लाई करेंगे कोड क्या है यहाँ पे हमारा वाई सिक्स नाइन फाइव एस वाई सिक्स नाइन फाइव एस ये आपका कोड है जब आप ये अप्लाई करोगे तो इस कोड पे आपको मिल रहा है बारह सौ रुपए का डिस्काउंट बारह सौ रुपए का अगर आप सीयू टी में अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं जो आपने न्यू ईयर में रेजोल्यूशन लिया है अपने आप से अपने साथ जो आपने प्रॉमिस किया है कि इस साल मुझे बहुत अच्छे कॉलेज में जाके अपना दाखिला करवाना है बहुत अच्छे कॉलेज में मुझे जाना है सिलेक्शन लेना है सो जुड़िए बेटा अड्डा टू की टीम के साथ में यहां पे आपको मिल रहा है महापैक मात्र पांच रुपए में आपको डिस्काउंट मिल रहा है इतना यहां पे ठीक है एवरीवन अगर देखो यहां पे हम बात करें किसके बारे में अगर मैं और बात करूं यहाँ पे और कोर्सेज के बारे में सो आप देखिए यहाँ पे और भी आपको बहुत सारे कोर्सेज दिए गए अगर आप जनरल टेस्ट लेना चाहते हैं अगर आप सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करें जनरल टेस्ट के बारे में अगर यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट के बारे में जाएंगे जनरल टेस्ट पे अगर आप जाएंगे अगर आप मैं यहाँ पे बात करूँ सी के जनरल टेस्ट के लिए तो देखिए जनरल टेस्ट के भी आपके अलग से यहाँ पे हमारे निकल चुके हैं सारे जो हैं जो भी आपके एग्जाम की सब चीजें निकल चुकी हैं जनरल टेस्ट की लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट तो यहां पे देखिए इसके अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है जनरल टेस्ट और इसके अंदर आपको क्या क्या दिया जा रहा है देखिए बेटा ये आपके सारे जनरल टेस्ट के लिए कि सीयूटी ह्यूमेनिटीज का महापैक जो भी है सीयूटी ह्यूमेनिटीज का महापैक लेकिन जनरल टेस्ट अगर देखें निपुण बैच के बारे में अगर आपको निपुण बैच के अंदर अपने आपको रजिस्टर करना है तो बेटा यहाँ पे देखिए चार हजार तीन सौ निन्यानवे में आपका जनरल टेस्ट है अगर आप इसके ऊपर जाएंगे अगर आप इसके ऊपर जाएंगे अगर आपको कोर्स बाय करना है तो यहाँ पे डेढ़ सौ घंटे की लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस साठ साठ आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है एक सौ एक आपको क्या दी जा रही है ई बुक्स दी जा रही है ठीक है अब यहां पे देखिए आपको अगर ये कोर्स परचेज करना है अगर आपको ये कोर्स परचेज करना है आपको यहां पे सारी डिटेल्स दी गई हैं सारी डिटेल्स आपको यहां पे दी गई हैं आप अंडा टू फो सेवन की ऐप को इंस्टॉल कीजिए ये देखिए आपके सारे टीचर्स हैं जो जो आपको पढ़ा रहे हैं विवेक रावत सर हनी शर्मा या आपकी वैशाली मैम है या आपकी रुबैक मैम है सब लोग यहाँ पे हिंदी वाले सर हैं तो अगर आपको ये कोर्स परचेज करना है आप बाई नाउ पे जाएंगे जब आप बाई नाउ पे जाएंगे तो आपको कूपन कोड यूज़ करना है कूपन कोड क्या है यहाँ पे वाई सिक्स नाइन वाई सिक्स नाइन फाइव एस आपका कूपन कोड क्या है वाई सिक्स नाइन फाइव एस जब आप ये कूपन कोड यूज करेंगे जब आप अप्लाई करेंगे यहां पे तो ये कोर्स आपको पड़ेगा तीन हजार छः सौ इक्यावन रुपये में ये पूरा कोर्स पड़ेगा आपको तीन हजार छ सौ इक्यावन रुपए में सो so, ये आपके जो कोर्स है मैंने आपको सारे कोर्स बता दिए सो चलिए थैंक यू वेरी मच गाइज गुड नाइट लव यू ऑल सो गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स लव यू ऑल थैंक यू वेरी मच क्लास जय हिंद जय भारत कल फिर से मुलाकात होगी आपसे इसी से इसी टाइम इसी, इसी जगह